इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों #WeSupportIndia। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहा था कि सभी नेता यहां पर तैयार रहें, किसी भी नेता की किसी भी वक्त गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से केंद्र की मोदी सरकार डरी है, उसी क्रम में बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव को पेश होने का आदेश दिया गया है, 4 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी। खबर बताते चलें, लैंड फॉर जॉब मामले में दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 अक्टूबर को सभी को यहां पर आरोपी के तौर पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी समेत इस मामले में 17 लोगों को समन जारी किया है। बताते चले, इस चार्जशीट में पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई ने आरोपी बनाया है, ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की संसद की सदस्यता हो तुरंत रद्द। दानिश अली ने लोकसभा के स्पीकर को लिखी चिट्ठी, कहा अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं सदन छोड़ने पर विचार करूंगा। जी हां दोस्तों, भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा संसद में प्रयोग की गई आपत्तिजनक भाषा का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बताते चले आप लोगों को, खबर आ रही है कि दानिश अली ने लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखकर के रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। दूसरी तरफ बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है कि आखिर उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करे। उन्हें पार्टी की अनुशासन समिति को 15 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। और वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि बीजेपी के सांसद बिधूड़ी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चलें कि बसपा सांसद दानिश अली ने यहां पर कहा है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को जांच के लिए भेजा जाए और रमेश बिधूड़ी को तुरंत यहां पर संसद से बाहर किया जाए। इसके साथ ही बताते चले, यहां पर भाजपा के सांसद होने के कारण उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगर यही विपक्षी नेता होता तो अब तक सस्पेंड हो गया होता और FIR होती वो अलग। ये यहां पर पूरी खबर है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी सरकार में मचा हड़कंप। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा मैं मन बना लेता हूं तो छोड़ता नहीं। राहुल गांधी बोले OBC की गिनती करा करके ही दम लेंगे, महिला आरक्षण अभी और तुरंत लागू किया जाए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार पर OBC को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने OBC आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाते हुए जाति जनगणना कराने की मांग की और अपनी सरकार के दौरान कराए गए जाति जनगणना के आंकड़े को मोदी सरकार से जारी करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हम जो ठान लेते हैं करके मानते हैं, जैसे कर्नाटक में हमारी सरकार आने पर 5 वादे लागू किए गए, वैसे ही केंद्र में हमारी सरकार आने पर जाति जनगणना कराएंगे और OBC भाई, दलित भाई को उनकी आबादी के अनुसार हक देकर के रहेंगे। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण भी अभी से ही लागू करने को कहा है, मोदी सरकार से इस पर लगाई गई शर्तें हटाने को कहा है और इसमें OBC महिलाओं को शामिल करने की मांग यहां पर राहुल गांधी ने की है। ये यहां पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करके घेरा है मोदी सरकार को और कहा है मोदी सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही है। अगर आप लोग भी राहुल गांधी की तमाम बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से भले ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया हो, लेकिन अब भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा की ही दिग्गज नेता उमा भारती ने खोल दिया है मोर्चा।
महिला आरक्षण बिल पर उठाए सवाल, पिछड़ों की बुला ली है बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, खबर बताते चलें, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन बिल संसद के दोनों ही सदनों से भले ही पारित हो गया हो, लेकिन बीजेपी के अंदर इसके विरोध में स्वर बुलंद हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब पूरी तरह पिछड़ों की वकालत करते हुए सामने आ गई हैं। यही कारण है कि उन्होंने यहां पर महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों की हिस्सेदारी को लेकर के भोपाल में एक बड़ी बैठक बुलाई है, और ये बड़ी बैठक यहां पर काफी मायनों में खास मानी जा रही है, क्योंकि हाल ही में उमा भारती ने आरोप लगाया था कि लगातार पार्टी के द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है, कई कार्यक्रमों में उनको बुलाया तक नहीं जा रहा है, जो कि उनका यह अपमान है। और साल के अंत में विधानसभा का चुनाव भी होना है, जिसके बाद अब यहाँ पर काफी सरगर्मी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के अंदर उमा भारती पूरी तरह से बगावती तेवरों में नजर आ रही हैं। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपना लिए हैं बागी तेवर एक बार फिर से। वरुण गांधी ने यूपी की योगी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा अस्पताल के लाइसेंस को एक तरफा निलंबित करना चिंता की बात है। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने व्यापक और निष्पक्ष जाँच के बिना अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का परिचालन लाइसेंस निलंबित करने पर गहरी नाराजगी जताते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को एक पत्र लिखा है। बताते चलें, वरुण गांधी ने यहां पर ब्रजेश पाठक को लिखे गए पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें टैग कर शेयर करते हुए पोस्ट कर कहा, गहन जांच के बिना अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस का त्वरित निलंबन उन सभी व्यक्तियों के साथ अन्याय है जो ना केवल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बल्कि अपनी आजीविका के लिए भी संस्थान पर निर्भर हैं। ये यहाँ पर एक बार फिर से वरुण गांधी ने जबरदस्त तरीके से अपनी ही सरकार को घेरा है दोस्तों। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। युवाओं के दिल और दिमाग में एक क्रूर मजाक की तरह गूंजता है 2 करोड़ नौकरियों का वादा, मोदी सरकार ने उनका भविष्य छीन लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी को लेकर के मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। खड़गे ने कहा है कि भारत के 25 साल से कम उम्र के 42.3% स्नातक बेरोजगार हैं, और उन्होंने सरकार पर युवाओं को बेरोजगार रख करके उनका भविष्य छीनने का आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा है कि युवाओं को अब मामलों को अपने हाथों में लेने और अपनी दुर्दशा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है। बताते चलें आप लोगों को, यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा हमारे युवाओं के दिल और दिमाग में एक क्रूर मजाक की तरह गूंजता है। ये यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जबरदस्त तरीके से भड़के हैं दोस्तों बेरोजगारी के मुद्दे पर, और घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।